इनके लिए तो एक ऑप्शन और मिल गया, पहले 100 दिन के चुराते थे, अब 365 दिन के पैसे खा जाएंगे। मुझे भी नहीं लगता है पीएम मोदी ने कुछ किया है, ना वो ये कुछ कर सकता है। क्या करोगे इनका, कांग्रेस तो चोर है। उनकी दादी बोली थी गरीबी हटाएंगे, अभी तक हट गई क्या गरीबी? अरे इनके तो गठबंधन होना ही नहीं है ना, ये सारे एक थाली के चट्टे वट्टे हैं। किस प्रकार की शिक्षा और रोजगार भैया, वो तो टोफियां बांट रहे हैं। सर वादे पूरे किसने किए हैं आज तक? नमस्कार, वीके न्यूज में आपका स्वागत है। आज कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र लोकसभा चुनाव 2019 के लिए जारी कर दिया। अभी हम मौजूद है दिल्ली के लाडोसराय इलाके में कुछ लोगों के साथ, आइए उन्हीं से जानते हैं कि उनका क्या सोचना है इस पूरे घोषणा पत्र के बारे में, और क्या लगता है कि कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र में वादे किए हैं वो पूरे होंगे या नहीं? नहीं जी, कुछ नहीं करेंगे। कुछ करेंगे नहीं। क्यों? वो तो कह रहे हैं ना कि हम 22 लाख उन्होंने कहा है कि पीएम ने कहा था 3 करोड़ नौकरियां देंगे, मगर वो कह रहे हैं वो हम 22 लाख ही देंगे, और ये और हम दे के दिखाएंगे 2019 में। उनकी दादी बोली थी गरीबी हटाएंगे, अभी तक हट गई क्या गरीबी? नहीं हटी ना, बस वही लोग घोषणा करते हैं, करते कुछ नहीं है। कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती, मोदी जी डिजर्व करते हैं, वो करते हैं जो बोलते हैं करते हैं। देखो हर चुनाव में हमने देखा है अब तक वादे किए जाते हैं, बहुत सारे वादे ऐसे हैं जो पूरे करने के लायक नहीं होते, और बहुत से ऐसे होते हैं जो हालात के एतबार से पूरे करने ज़रूरी हैं। कांग्रेस सरकार एक अच्छी पार्टी है हिंदुस्तान के अंदर, और शुरू से काम अच्छे किए उसने, और वादे तकरीबन पूरे नहीं किए मगर बहुत सारे काम अच्छे किए हैं। और जो उन्होंने ये घोषणा पत्र जो जारी किया है, इसमें जहाँ तक उनकी मजबूरी होगी उनको वो वादे पूरे करने ही पड़ेंगे। अगर उनको सप्ताह में रहना है तो 72,000 रुपये महीने के अंदर 6,000 रुपये देना किसी सरकार के लिए मुश्किल काम नहीं है। अगर वो अपनी वोट चाहता है और अपनी कदर चाहता है आइंदा और आने वाली नस्लों के लिए, सालों के लिए, तो उसको ये वादे पूरे करने ही पड़ेंगे। सबसे बड़ी अच्छी बात इसमें यही लगी कि उन्होंने औरतों के लिए उसमें 33% आरक्षण रखा, जिसके अंदर औरतों की जो एक नापाली और बर्बादी की जाती है, बेइज्जती की जाती है, माँ बहनों की बेइज्जती, तो और जो उनके जॉब नहीं मिलती उससे लग रहा कि औरतों को एक बढ़ावा दिया जा रहा है, जो अब से पहले किसी सरकार ने बढ़ावा नहीं दिया। बहरहाल जो उन्होंने 10 चीज़ें जारी की हैं, हमें उम्मीद है कि कांग्रेस सरकार उसको ना चाहते हुए भी पूरा करेगी, इसलिए कि उनको पता है कि सन 2014 में हमने वादा किए थे और क्या हुआ, हमने उससे पहले जो वादे को पूरे नहीं कर पाए। अब मोदी जी ने 15 लाख के लिए वादा किया था, वो पूरे कर नहीं पाए, तो लिहाजा अगर कोई गवर्नमेंट और उसका वज़ीर आज़म चाहे कि हमें काम करना, तो कोई काम करना मुश्किल नहीं होता वज़ीर आज़म के लिए। अगर राहुल गांधी या उसके सरकार में से कोई वज़ीर आज़म बनता है और वो ये चाहे कि हम पूरे करें, तो कोई मुश्किल नहीं है 6,000 रुपये देना किसी इंसान के लिए। अगर क्या लगता है आपको, अगर कांग्रेस मैक्सिमम वोट्स पाती है तो कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री, कोई और गठबंधन का होना चाहिए या मतलब राहुल गांधी? प्रधानमंत्री हमारी नज़र में वो होना चाहिए जो मुल्क के अथॉर्ट्स को, मुल्क की बुनियादों को साथ लेकर चले। ये मुल्क किसी एक फर्द के लिए नहीं है, ये मुल्क किसी एक पार्टी के लिए नहीं है, ये मुल्क सबका है। इसमें हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, और कहीं का भी कोई आदमी किनारे में, हिंदुस्तान किनारे में, अतराफ में रहने वाले, वो सबका मुल्क है। लिहाजा जो सबको लेकर चले, ऐसे हमें प्रधानमंत्री की ज़रूरत है। जो ऐसे हमें प्रधानमंत्री की ज़रूरत नहीं है जो मुल्क के अथॉर्ट्स को बिगाड़ रहा हो, मुल्क के बुनियादों को कमज़ोर कर रहा हो, और मुल्क को किसी तरीके से बर्बादी की तरफ ले जा रहा हो, जिससे मुल्क की खूबसूरती जो जमहूरियत पसंद है हमारे इंडिया के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर हमारे इंडिया किस नाम से जाना जाता है, कि 26 जनवरी जो मनाई जाती है वो हमारे मुल्क के अथॉर्ट्स और बुनियाद है। लिहाजा जो भी आदमी इस चीज़ का खास ख्याल रखे वही प्रधानमंत्री बनाया जाए। नहीं मगर क्या आपके नज़रिए में राहुल गांधी एक उम्मीदवार हैं 2019 में प्रधानमंत्री के तौर पर? नहीं, हमारी नज़र में ये नहीं कि हमने ये नहीं कहा। देखो जो भी हमने ये बात बोले, जो भी इसके लायक है उसको प्रधानमंत्री बनाया जाए, हम उसके साथ हैं। उन्होंने किया ऐसा है जी, हम आपको बताएं, जिस टाइम कांग्रेस की सरकार थी 15 साल करा, ठीक है, आज तक इसने नौकरी बंद कर दिया। पहले जब सरकार थी कांग्रेस की, सरकार में जिसके माँ बाप मर गए, कभी इसने गरीबों का भला नहीं किया, क्या कहती है गरीबों की सरकार, ठीक है। बीजेपी है, बीजेपी आम पार्टी, वो बीजेपी ने मोदी ने क्या करा है, हर कोई बंदा मरवाया, उसका कोई हिसाब देगा? कोई लैंड में कार्ड की नौकरी हूँ, जब से नोटबंदी हुई है जब से कोई नौकरी नहीं मिली है मेरे को, हटा दिया मेरे को नौकरी से, ठीक है। केजरीवाल का वादा ये है कि आम पार्टी कहती है कि सबका गरीबों का 50,000 का बिल आ रहा है, 25-30 गज का कमरा है, 200 लीटर की टंकी है, माँ एस्पायर होने के बाद
कोई बिल नहीं मिला, मैं यहाँ था नहीं, तो 80,000 का बिल आ गया है, क्या माफ करा है किसी पार्टी में? अरे इनका तो गठबंधन होना ही नहीं है ना, ये सारे एक थाली के चट्टे वट्टे हैं। नहीं, अगर गठबंधन हो जाता है तो आपको क्या लगता है ये सही गठबंधन होगा? देखो गठबंधन हो जाए, हम तो ये कहते हैं पब्लिक जो होगी ना, बिजली पानी ये सुविधा चाहिए और सीवर लाइन की, तो जब तो आ जाएंगे कामयाब। इनका राहुल गांधी का कहना है कि वो शिक्षा का बजट बढ़ाएंगे और जो IIM जैसे संस्थान है, जो सर्वश्रेष्ठ संस्थान है देश के, उनको एक्सेसिबल करेंगे गरीबों के लिए। देखो एक बार बताओ, ये उत्तर प्रदेश में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आ रही है, आई ना, जो इलेक्शन हो, किस किसान ने वो क्या माफ कराया कर्ज? ये जो पार्टी हैं सब झूठे वादे होते हैं, करके दिखाए, लोग बागों का 70,000 पानी का बिल है वो माफ हो जाए किसी का? काम देखो, पब्लिक ने चाहिए काम, ये गांव के अंदर अच्छा काम हो, अच्छा रोड बने, अच्छी फैसिलिटी मिले, पार्किंग की सुविधा हो। मोदी जी ने काम किया है क्या? मोदी जी ने क्या काम किया? मोदी जी ने जो बैंक में नोटबंदी करवा दी, ठीक है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है मोदी, ठीक है, पब्लिक के खिलाफ कौन लड़ रहा है ये तो बताओ? तो ना मोदी ने ये सोचना चाहिए, पब्लिक है नहीं, काला धन आ रहा था किसी के अकाउंट में, अगर कोई एक रुपये भी आया तो बता दो, किसी के अकाउंट में कोई एक रुपया भी आया है? काला धन कितना आ लिया है, कुछ पड़ा है अब तक किसने भेज दिया किसी के अकाउंट में? जीरो बैलेंस खुलवा दिया खाता, अब मान लो मैं 5,000 रुपये महीने के कमा रहा हूँ, चलो खाली खाता है 100-200 रुपये जमा कर दूंगा, पैसा कहाँ जाएगा? जाएगा तो गवर्नमेंट की क्या सुविधा हुई है? कोई सुविधा तो है नहीं, बेरोजगार आंड रहे हैं, कहाँ नौकरी है? गार्ड की नौकरी करे, 10वीं पास मांगे। पीएम मोदी ने कहा था कि वो 15 लाख रुपए सभी को देंगे, क्या आया आपके अकाउंट? किसी का अकाउंट में नहीं है, बेसक ले खाता भी खुलवा कर दिखा रहे, तुम आया किसी के खाते में? राहुल गांधी कह रहे हैं 72,000 रुपए देंगे हम सालाना, वादा करेंगे? वादे हैं, ठीक है, इनने तो अपनी तिजोरी भरनी है। अगर कांग्रेस चाहती ना, जिस टाइम इनने 15 साल राज करा था, उस टाइम पाकिस्तान पर जब अटैक करवा सकते थे, समझे? जो शीला दीक्षित है, ठीक है, ये गठबंधन नहीं होने देगी आम पार्टी का, ठीक है। शीला दीक्षित ने दुनिया भर का पैसा कमाया, ओलंपिक गेम के वो थे बिल्डिंगों में पैसा कमाया, शीला के दीक्षित के दामाद की जन किसकी है? बहन की लोड़ी बिल, ये गाड़ी चल रही है संतरे रंग की, अब बताओ पब्लिक का पैसा गया कहाँ? पब्लिक ने मिल के आ रही है सुविधा। आप बताइए सर, आपको क्या लगता है वो वादे पूरे करेंगे राहुल गांधी जो? मेरे को नहीं लगता, नरेंद्र मोदी ठीक है, नरेंद्र मोदी ठीक है। 72,000 रुपये का जो वादा है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं राहुल गांधी? पॉसिबल ही नहीं है वो चीज़, क्योंकि अगर होने वाली होती तो 70 साल से अब तक हो गई होती, ठीक है, आज तक ना हुआ कुछ भी। वो कह रहे हो किसानों के लिए एक अलग से बजट बनाएंगे और जो मनरेगा है उसका 100 दिन से 150 दिन कर देंगे। मनरेगा मानता हूँ, मनरेगा चल रहा है यूपी में बहुत है, ठीक है, मनरेगा की वजह से बहुत लोग काम भी कर रहे हैं, समझे, तो मनरेगा तो ठीक है, वो तो पहले की स्कीम चल रही है, लेकिन अब तो कोई नई स्कीम तो है ना। वैसे प्रधानमंत्री तौर पे नरेंद्र मोदी सबसे बढ़िया जारी कही करेगी। कांग्रेस दुनिया की ज़मीन पे कब्जा करके बैठी है, अभी मेरे यहाँ से बंदा गया है कांग्रेस वाले के, वहाँ कब्जा कर रखा है उसने, IIT गेट ओजकास के थाड़े के बराबर में सारी ज़मीन पर बैठे हुए हैं, 8 बीघे कुछ भी हुए हैं जो कांग्रेस वाले ने कब्जा कर रखा है, उन्होंने सारे मोटे मोटे नेता बैठे हुए हैं, एक गरीब आदमी की ज़मीन है, गरीब आदमी के मकान तोड़वा दिए गए, उसमें कांग्रेस वाले बैठे हुए हैं, क्या करोगे उनका? कांग्रेस तो चोर है, कांग्रेस जैसे बेईमान नेता कहीं भी नहीं होंगे। सर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो रहा है दिल्ली में? अरे ये नहीं होगा, केजरीवाल कभी करेंगे नहीं उस बेईमानों के साथ, कहा बेईमान है वे तो। मगर BJP तो आरोप लगाती है ना कि बी टीम है आम आदमी पार्टी कांग्रेस की। आदमी क्या करेगा बेचारा, इतनी बड़ी नौकरी छोड़ के वो पड़ा अभी उसमें आप में, वही कांग्रेस से क्या करेगा, दोस्ती करेगा वो? कभी नहीं करेगा, देखो तो घटिया सरकार है, दूसरे मकान पे कब्जे करने, दूसरे क्या अभी यहाँ आज खास में थाने के बराबर में किया हुआ उन्होंने, एक गरीब आदमी का मकान तोड़ के और उसमें कब्जा कर रखा कांग्रेस वाले ने, वो बेचारा भटकता रो रहा जिनके मकान तोड़ के कब्जा कर रखे उन्होंने। विपक्ष में आप जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर किसका चेहरा देखते हैं? हम तो मोदी का चेहरा देखते हैं। विपक्ष में किसे देखते हैं, अगर विपक्ष में अगर आपको एक चुनना हो तो?
चुनना तो मोदी का देखेंगे भाई, हम तो मोदी जैसा आदमी भी नहीं, तरक्की पे तो मोदी है, मोदी जैसा आदमी कहाँ होगा। बढ़िया है, दोबारा आएगा तो मोदी आएगा जरूर आएगा, और तगड़ी वोटों से आएगा, ये भी नहीं है। पूरा मोहब्बत से। किस प्रकार की शिक्षा और रोजगार भैया, वो तो टोफियाँ बांट रहे हैं 72,000 लोगों को, जो ना नालायक और निठल्ला बना दे रहे हैं। हम कमाने वाले लोग हैं, हमें तो कमा के खाना, हम तो मोदी जी के साथ हैं रहेंगे। वो कुछ घोषणाएँ कर दे, या कांग्रेस ने 70 साल में कितनी घोषणाएँ की और उनका क्या हर्ष हुआ, ये सब जानते हैं ना। तो भैया मोदी साहब ने 5 साल में जो किया है, कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया, अगले 5 साल नरेंद्र मोदी को। वो कह रहे हैं कि वो मनरेगा को जो है वो 100 दिन से बढ़ा के 150 दिन कर देंगे। फायदा क्या होगा वो किस प्रकार का रोजगार है? आज ये सड़क खोदोगे, कल दोबारा मिट्टी डालोगे। देश अल्टीमेटली वो पैसा देश का है ना, और वो वेस्ट हो रहा है। मोदी जी क्या कर रहे हैं, उसी पैसे से तो सड़क बना रहे, लेकिन एक बार बना रहे जो पाँच साल चले। तो हमें तो ऐसे नेता चाहिए ना जो पैसे का सही उपयोग करे, ना कि बर्बादी करे। सर वो कह रहे हैं कि हम किसानों के लिए एक अलग से बजट बनाएंगे, और मध्य प्रदेश और बाकी जगह जहां हमारी विधानसभा में सरकार बनी, हमने वादा किया था और कर्ज माफ़ किया किसानों को। किसानों को भीख नहीं चाहिए, मैं भी किसान का बेटा हूँ, किसान को स्वावलंबन चाहिए। कुछ ऐसा योजना जैसे मोदी जी कह रहे हैं कि उनकी आय को दुगना करेंगे, तो इस प्रकार का कोई कार्यक्रम कीजिए ना जिससे लोगों को फ़ायदा मिले। आप तो उनको निठल्ला बना रहे हैं, आप फ्री में हम आपको मुफ्त लोन कर्जा माफ़ कर देंगे, आपको मुफ्त में पैसे दे देंगे। ये कौन सा तरीका हुआ भैया, ये तो सिर्फ चुनावी वायदे हैं, और आज की जो पढ़ा लिखा लोग हैं, पढ़ा लिखा मतदाता, वो चुनावी वायदों में भरोसा नहीं करता। मुझे भी नहीं लगता कि पीएम मोदी ने कुछ किया है, ना वो ये कुछ कर सकता है। हमारे देश में विपक्ष मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे राहुल गांधी जी हैं, ऐसे लोग विपक्ष में होने बहुत आवश्यक है, मैं मानता हूँ। इस इंसान ने कभी ये कहा था कि भाई स्विस बैंक में पैसा आ जाएगा, काला धन आ जाएगा, हर इंसान के हिस्से में 15 लाख रुपये आएंगे, मेरे 15 लाख मिले नहीं है, मुझे झूठे आदमी पसंद है नहीं, मैं इस पर फिर एतबार करूँगा, इसे ही वोट दूंगा, इसी के साथ खड़ा हूँ। जब तक 15 लाख मेरे हिस्से के नहीं मिलेंगे, तब तक मुझे विपक्ष मजबूत चाहिए, और विपक्ष में राहुल गांधी जैसा इंसान होना चाहिए। सर वादे पूरे किसने किए हैं आज तक? अगर मोदी जी किसानों को कह रहे 6,000 देंगे, राहुल ने वही ट्रंप कार्ड 72,000 का फेंक दिया, फ़र्क कहाँ है दोनों में? दोनों का मैनिफेस्टो उठा लो, 100 में से 80 चीज़ें तो सेम होंगी या नहीं होंगी, आप बताओ। तो मैनिफेस्टो का तो कहाँ रह गया है, कोई यूज़ तो रह नहीं गया। सन 80 के बाद से जो 89 का जो इलेक्शन हुआ था, मैनिफेस्टो का जो रोल है वो तो इंडियन पॉलिटिक्स से ख़त्म हो गया। आइडियोलॉजिकल जो पार्टी होती थी, पार्टी का जो प्रोग्राम होता था, वो बहुत पहले ख़त्म हो चुका। अब तो लालच दो, वोट लो। जो वो कह रहे हैं कि मैं 6,000 रुपया हर महीना दूंगा, मेरा एक सवाल है, स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, राहुल जी, सब लोगों ने कहा मैं गरीबों को गरीबी से दूर करूंगा, राइट। लेकिन एक सवाल मेरा ये है कि जिस आदमी ने आज तक गरीबों का फ्री में अकाउंट खोल के नहीं दिया, वो अकाउंट में 6,000 रुपये देगा कैसे महीने का? राजीव गांधी जी ने खुद कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ और वो लोगों तक 15 पैसे बन के पहुँचता है। तो उन्होंने बोला, बहुत अच्छी बात बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के ये बात, ठीक है, मेरे पापा से मैंने सुना है, उस समय तो मैं था नहीं दुनिया में। लेकिन मेरे सवाल में एक बात नहीं आता है कि जब ये बात जानते हुए कि 1 रुपया 15 पैसे में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऐसा क्या किया जाए कि 1 रुपया अगर मैं भेजूँ तो लोगों के पास 1 रुपया पहुँचे? मोदी जी ने जनधन योजना के जरिए 30 करोड़ लोगों का जो अकाउंट खोला, ठीक है, ये उसी का एक परिणाम है कि अगर मैं 6,000 भेजूँ तो 6,000 लोगों के पास पहुँचे। मनरेगा के बारे में राहुल गांधी का कहना है कि हम उसको 100 दिन, हमारी सरकार लाई थी कांग्रेस की, और अब हम उसे 100 दिन से बढ़ा करके 150 दिन कर देंगे। क्या दिक्कत है? वो जो देहात में गया, देहात में जो गांव में प्रधान होता है ना, वो सारे खा जाता है, ये किसी को नहीं मिलता कुछ भी। इनके लिए तो एक ऑप्शन और मिल गया, पहले 100 दिन के चुराते थे, अब 365 दिन के पैसे खा जाएंगे। इनने क्या किया है भाई? पहले तो 100 दिन की चोरी थी, अब तो 365 दिन की चोरी करने जा रहे हैं। ये है बात, और कोई नहीं, ये कुछ नहीं करेंगे, बेकार की बातें हैं, पब्लिक गुमराह हो जाएगी, और ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो ये थी दिल्ली की जनता की आवाज़ लाडो सराय से, कि वो कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में क्या सोचते हैं। इसी तरीके की तमाम राजनीतिक खबरों को देखने और जानने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। कैमरा पर्सन संग्राम के साथ शिवम मिश्रा, वीके न्यूज़ दिल्ली।